नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जालंधर को स्पोर्ट्स का हब कहा जाता है। यहीं से दुनिया भर में शहर से खेल के सामान का निर्यात किया जाता है। यहाँ कई स्पोर्ट्स का सामान बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं। एप्रिसिएशन मिलती है और हॉकी जब उनको बना के देते हैं, वो गोल करते हैं और टीम जीत के आती है, उससे बहुत बहुत अच्छा महसूस होता है। हॉकी बनाने में जैसे प्रोडक्शन है, जैसे वुडन की स्टिक्स है, उसमें मैनुअल है सारा कुछ, उसमें सारा हाथ से काम है, उसको थोड़ा टाइम लगता है और जो उसको पेंट प्रोसेस है उसको 6 से 7 दिन लग जाते हैं और सर्दियों में थोड़ा और टाइम कंज्यूमिंग है। तो एक एवरेजली देखे चले तो हॉकी पूरी रेडी करनी है तो उसको 6 से 7 डेज लगते हैं। अगर बात की जाए हॉकी के सामान की, तो यहीं से ही दुनिया भर में कंपोजिट हॉकी की सप्लाई की जाती है और ये सब मशीनों से तैयार की जाती है। कंपोजिट हॉकी में लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि कंपोजिट हॉकी बनाने में एल्यूमिनियम और लोहा लगता है। जब प्लेयर्स पहले खेलते थे तो पहले इतना मीडिया में नहीं जाता था, अभी जैसे मीडिया से भी अब आपके माध्यम से, जैसे आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि माध्यम से उनको पता लग रहा है, लोगों को भी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं कि वो वुडन हॉकी से नहीं यूज कर रहे, वो कंपोजिट हॉकी यूज कर रहे हैं, कंपोजिट हॉकी जालंधर में बन रही है। तो ये एक अच्छा माध्यम भी रहा कि लोगों को इसके बारे में नॉलेज, हमारे को टेलीफोन आने शुरू हुए आफ्टर ओलंपिक्स के, सबको पता लगा कंपोजिट हॉकी जालंधर में बनती है। तो बहुत अच्छा लगता है सर कि देखो जब एप्रिसिएशन मिलती है, आप काम करते हो, मेहनत करते हो, उसकी एप्रिसिएशन मिलती है और इंडिया का नाम होता है। मेहनत इंडिया का नाम होना चाहिए, वर्ल्ड में इंडिया का नाम हो तो हमारे को बहुत अच्छा लगता है। गेम कोई भी खेले वो मेहनत से खेले, क्योंकि ये कि जिसमें जिसका इंटरेस्ट हो जबरदस्ती ना बच्चे को खिलाया जाए, पर ये है कि जो हॉकी गेम है ना इसमें फिटनेस बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसमें झुक के खेलना पड़ता है और इसमें जो बच्चा खेलेगा उसकी ग्रोथ, उसकी जो फिटनेस बहुत ही अच्छी रहेगी। तो मैं यही बच्चों को मैसेज दूंगा, अगर आपका थोड़ा भी ध्यान है, अगर हॉकी में खेलना चाहते हो तो पूरा खेल लो, और ये है कि उसमें फिटनेस और आपकी जो हेल्थ है बहुत ही अच्छी रहेगी। वही नॉर्मल हॉकी के मुकाबले कंपोजिट हॉकी ज़्यादा मजबूत होती है। विश्व भर में जालंधर की बनी कंपोजिट हॉकी को सराहा जाता है। बता दें कि कंपोजिट हॉकी मशीनों से बनती है जिसमें लेबर का इस्तेमाल बहुत कम होता है और इसी कारण रोजगार में भी कमी आई है।